शासन अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप सिंह शेखावत के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय टीम ने चंदन क्यारी प्रखंड स्थित चावल गोदाम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दरमियान उन्होंने एक एक गोदाम पहुंचकर खाद्यान्न को देखा, जहां उन्होंने चावल प्राप्ति एवं आवंटन पंजी समेत अन्य को बारीकी से जांच किया। मौके पर एसडीएम ने कहा कि उपायुक्त बोकारो के निर्देशानुसार चंदन क्यारी में चावल गोदाम में स्टॉक का मिलान किया जा रहा है, अभी यह प्रक्रिया जारी है। इसके माध्यम से सूचना देना चाहते हैं कि हमारे जितने भी धान एफसीआई से आ रहे हैं वो पीडीएस दुकान में जाए तथा पीडीएस दुकान से सीधे उपभोक्ता को इसका लाभ मिले, जिसे सुनिश्चित करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और कहा कि इसे सही करने के उद्देश्य से यहाँ निरीक्षण किया जा रहा है। इससे समाज एवं पदाधिकारियों में एक संदेश भी जाएगा, ताकि इसके प्रति किसी प्रकार का लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इसमें किसी प्रकार की शिकायत आती है तो संबंधित लोगों पर कार्रवाई किया जाएगा। मौके पर डीएसओ प्रकाश कुमार, कार्यपालक दंडाधिकारी मनीषा वत्स, सीओ सह आपूर्ति पदाधिकारी रामा रविदास, वीडियो अजय कुमार वर्मा, अमित शर्मा समेत अन्य उपस्थित थे। चंदन क्यारी से संजय मेहता की रिपोर्ट। आज यहाँ पे हमने चंदन क्यारी प्रखंड में हमारा जो गोदाम है ब्लॉक का, उसका निरीक्षण करना उपायुक्त महोदय के निर्देश पे एक 3 सदस्यीय जांच दल बना। उसके अंदर मैं अनुमंडल पदाधिकारी चास, मनीषा वत्स सिटी मजिस्ट्रेट, और हमारे प्रकाश कुमार जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, हम तीनों ने प्लान किया और चंदन क्यारी प्रखंड में हम लोगों ने ये स्टॉक का मिलान कर रहे हैं। अभी ये प्रक्रिया जारी है और इस तरीके से हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे पास जितना भी धान आ रहा है एफसीआई से, वो प्रॉपरली पीडीएस शॉप्स में जाए और पीडीएस शॉप्स से जो हमारे उपभोक्ता है उनके पास जाए। इसको इंश्योर कराना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और उस चीज़ को सही करने के लिए हम यहाँ आए हैं, और आज की जाँच से एक अच्छा मैसेज जाएगा सोसाइटी में और अधिकारियों के बीच में भी कि इसके अंदर हम लोग किसी तरह का लापरवाही नहीं बरतेंगे, इसमें स्ट्रिक्टली हम लोग काम करेंगे और इंश्योर करेंगे।